दोस्तों आईपीएल में अब तक टोटल 87 शतक लग चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 13 शतक कप्तान ने मारे हैं। और इससे यह बात साफ पता चलती है कि आईपीएल में कप्तान के तौर पर शतक मारना बहुत ही मुश्किल काम है। और आज हम जानेंगे कि इस मुश्किल काम को किन खिलाड़ियों ने किया है और कितनी बार किया है। तो चलो फिर सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो आईपीएल के इतिहास में कप्तान के तौर पर शतक मारने वाला पहला खिलाड़ी है क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। दोस्तों आईपीएल में शतक लगने की शुरुआत आईपीएल के पहले मैच से ही हो गई थी, लेकिन आईपीएल में कप्तान द्वारा शतक लगने की शुरुआत आईपीएल 2011 में हुई थी, जिसकी शुरुआत सचिन तेंदुलकर ने की थी। तो सचिन पाजी ने आईपीएल 2011 में कोची टस्कर्स केरला के खिलाफ 66 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए थे। कप्तान के तौर पर दूसरा शतक लगाने वाले प्लेयर का नाम है वीरेंद्र सहवाग। तो सहवाग पाजी ने भी आईपीएल 2011 में यह काम किया है। तो सहवाग ने आईपीएल 2011 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ चेस करते हुए 56 गेंदों में 119 रन बनाए थे। कप्तान के तौर पर तीसरा शतक लगाने वाले प्लेयर का नाम है एडम गिलक्रिस्ट। तो गिली ने भी आईपीएल 2011 में यह काम किया है। गिली ने आरसीबी के खिलाफ 55 गेंदों में 106 रन बनाए थे। दोस्तों आईपीएल 2011 के बाद करीबन 4 साल तक आईपीएल में कोई भी कप्तान शतक नहीं मार पाया, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी और उस तूफान का नाम था किंग विराट कोहली। तो आईपीएल में कप्तान के तौर पर चौथा शतक लगाया विराट कोहली ने। तो कोहली ने आईपीएल 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ 63 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए थे। कप्तान के तौर पर पांचवा शतक लगाया विराट कोहली ने। तो साल वही आईपीएल 2016, इस बार सामने थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। विराट कोहली ने बनाए थे 58 गेंदों में नाबाद 108 रन। कप्तान के तौर पर छठा शतक भी लगाया किंग विराट कोहली ने, साल वही 2016। और एक बार फिर से सामने आ गई थी गुजरात लायंस और इस बार विराट कोहली ने बनाए थे 55 गेंदों में 109 रन। कप्तान के तौर पर सातवां शतक भी लगाया किंग विराट कोहली ने। तो विराट कोहली आईपीएल 2016 का वो तूफान था जो किसी के रोके नहीं रुका था, और इस मैच में तो उसके हाथ में करीबन 7 से 8 टाके भी लगे हुए थे, फिर भी उसे कोई नहीं रोक पाया। इस मैच में किंग कोहली ने 50 गेंदों में 113 रन बनाए थे। कप्तान के तौर पर आठवां शतक लगाया डेविड वार्नर ने। तो वार्नर ने आईपीएल 2017 में केकेआर के खिलाफ 59 गेंदों में 200 के ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 126 रन बनाए थे। कप्तान के तौर पर नौवां शतक लगाया एक बार फिर से किंग विराट कोहली ने। तो आईपीएल 2019 में विराट कोहली के अंदर छोटी सी 2016 वाली झलक देखने को मिली थी। इस मैच में किंग विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ 58 गेंदों में 100 रन बनाए थे। और इस शतक के साथ विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में कप्तान के तौर पर 5 शतक मारने वाला पहला और अभी तक इकलौता खिलाड़ी है। कप्तान के तौर पर 10वां शतक लगाया है केएल राहुल ने। तो राहुल भैया ने आईपीएल 2020 में आरसीबी के खिलाफ 69 गेंदों में नाबाद 132 रन बनाए थे। और यह पारी आईपीएल के इतिहास में किसी कप्तान द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी है। आईपीएल में कप्तान के तौर पर 11वां शतक लगाया संजू सैमसन ने। तो सैमसन भैया ने आईपीएल 2021 में पंजाब किंग्स के खिलाफ चेस करते हुए 63 गेंदों में शानदार 119 रन बनाए थे। और दोस्तों क्या आप जानते हैं, ये वाला मैच संजू सैमसन का कैप्टनसी डेब्यू था। और सैमसन आईपीएल के इतिहास में कैप्टनसी डेब्यू में शतक मारने वाला पहला खिलाड़ी है। आईपीएल में कप्तान के तौर पर 12वां शतक भी लगाया केएल राहुल ने। तो बात है आईपीएल 2022 की, जहां पर केएल राहुल अपना 100वां मैच खेल रहा था और सामने थी मुंबई इंडियंस। और इस मैच में राहुल भैया ने बनाया 60 गेंदों में नाबाद 103 रन और ये किसी लखनऊ के खिलाड़ी द्वारा लगाया गया पहला शतक था। कप्तान के तौर पर 13वां और लेटेस्ट शतक भी मारा है केएल राहुल ने। तो ये बात भी है आईपीएल 2022 की, इस बार भी सामने थी मुंबई इंडियंस और केएल भैया ने बनाए थे 62 गेंदों में नाबाद 103 रन। और अगर केएल भैया ऐसे ही शतक मारते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आईपीएल के इतिहास में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक केएल राहुल के नाम होंगे। तो दोस्तों ये थे आईपीएल के इतिहास में कप्तान द्वारा लगाए गए अब तक के सभी 13 शतक। और दोस्तों क्या आप जानते हैं, पिछले साल टोटल 12 शतक लगे थे, लेकिन उसमें से एक भी शतक कप्तान ने नहीं मारा था। तो आपके मुताबिक आईपीएल 2024 में कोई कप्तान शतक मार पाएगा या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्यार फैलाते रहिए, क्योंकि नफरत फैलाने का कोई फायदा नहीं है।